और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना, और ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के, पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा। हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। आप इस आम चुनाव, इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव को कोई साधारण आम चुनाव मत मानिए। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार मुकाबला सीधा इंडिया बनाम भाजपा होने जा रहा है, और हमारा ये मानना है कि जीत दर्ज कराने के बाद इंडिया गठबंधन का ये जीत रूपी रथ चंडीगढ़ तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगा। जब जब टीम इंडिया का सामना देश की, दुनिया की किसी भी टीम से हुआ, हमेशा भारतवासियों ने टीम इंडिया को जिताया। हमारा यह मानना है कि 18 जनवरी के चंडीगढ़ चुनाव में भी भारतवासी एकजुट होकर इंडिया को जिताएंगे, और इस चुनाव के उपरांत स्कोर कार्ड होगा इंडिया 1 भाजपा 0। हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन की 18 जनवरी को होने वाली क्लीन स्वीप के बाद ये एक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आगाज होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जनवरी को होने जा रहा है, ये 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा, कर्टन रेजर होगा, और ये एक टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया बनाम भाजपा, उसके क्या नतीजे होंगे। मेरा ये मानना है कि ये एक और बड़ी चीज साबित करेगा, वो ये है कि जब इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो 1+1 2 नहीं, 1+1 11 होता है। ये चंडीगढ़ का 18 जनवरी का चुनाव सिद्ध करेगा, और इसके संदेश, इसका मैसेज जो जीत का, इंडिया गठबंधन की जीत का मैसेज होगा, ये देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। लोगों को जो आज एक तानाशाह निकम्मी भाजपा सरकार से मुक्ति चाहिए, उसकी एक आस लोगों के मन में जगाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो इंडिया गठबंधन ही वो चुनाव जीतता है, और इंडिया से जो जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये मैसेज इस चुनावों से अवश्य निकलेगा। 18 जनवरी को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो आज निकम्मी और तानाशाह बादशाहत है, उससे चंडीगढ़ के लोगों को छुटकारा मिलेगा, इंडिया गठबंधन को छुटकारा दिलाएगा, और 2024 में केंद्र में बैठी तानाशाह और निकम्मी भाजपा सरकार से भी देश की जनता को इंडिया गठबंधन ही छुटकारा दिलवाएगा। तो आने वाला ये चुनाव बेहद निर्णायक होने जा रहा है, और हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन का पहला मुकाबला, पहली चुनावी फाइट जो भाजपा से 18 जनवरी को होने जा रही है, ये 2024 के चुनाव का आगाज करेंगी। इसके संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्या इसका भी आधार बनेगा कि पंजाब में आने वाले समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लोकसभा के लिए भी गठबंधन हो पाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें देश की तमाम
पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने, राजनेताओं ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपनी व्यक्तिगत मतभेद मनभेद दरकिनार कर साथ आने का फैसला लिया, देश हित में फैसला लिया। अब सीटों का बंटवारा कौन से राज्यों में होगा, कौन से में नहीं होगा, कौन से राज्यों में रणनीति के तहत साथ आकर लड़ा जाएगा और कौन से राज्यों में रणनीति के तहत भिन्न भिन्न प्रकार से लड़ा जाएगा, यह फैसला सीट शेयरिंग की जब पूरी बातचीत है वो समाप्त हो जाएगी उसके बाद लिया जाएगा। आज सीट शेयरिंग पर नॉन स्टॉप रेगुलर कमेंट्री करना उचित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री होती है, सीट शेयरिंग की बातचीत में, संवाद में इस प्रकार से बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती, वो संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा उसकी जानकारी अवश्य आप सबसे साझा करेंगे। बट इज दिस आउटकम ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल मीटिंग विद राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे एट मिस्टर खड़गे'स रेजिडेंस? देखिए, मेरे नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी के साथ हुई। बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई और साथ आकर चुनाव लड़ने का जो संकल्प है वो और मजबूत हुआ। मेरा अपना यह मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियां और खास करके ये दो पार्टियां साथ आती हैं तो भाजपा के लिए एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह का जो हमारी ताकत है वो एक और एक ग्यारह हो जाएगी, उसका सामना भाजपा को करना पड़ेगा। सर, मेयर पद पे आम आदमी का होगा या डिप्टी? मेयर आम आदमी पार्टी का और दो डिप्टी मेयर, सीनियर और डिप्टी मेयर वो कांग्रेस के। सर, आज सुंदरकांड करने जा रहे हैं पूरी दिल्ली में, पर इसमें ओवैसी ने बड़ी आपत्ति की टिप्पणी की और कहा है कि आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं और साहबानों की बात की। देखिए, मैं किसी अन्य नेता ने कोई टिप्पणी करी उस पर कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता, जिसने जो टिप्पणी करी वो उसको मुबारक। उन्होंने कहा है कि सबको, उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज, जैसा कि मैंने कहा, कोई शख्स कोई टिप्पणी कर रहा है उस पर मैं टिप्पणी करूं, मुझे मैं इन सारी चीजों से बचता हूं। मैं एक उन्होंने ये बात दोहराई है, आप लोग कहते हैं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसकी वजह से आप दिल्ली में सुंदरकांड। हम तो, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और वे अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम है या कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो बजरंग बली के और प्रभु श्री राम के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा के करते हैं। उन्होंने दिल्ली में श्रवण कुमार बनके हजारों बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई, उन्हें वाराणसी से लेकर दरबार साहब से लेकर अजमेर दरगाह शरीफ तक हर जगह मत्था टकवाया, वहां पे उनके दर्शन करवाए। और मैं किसी अन्य नेता द्वारा अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए गए आरोप या इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। लेकिन राघव जी, क्या आप लोग को-ऑप्ट भी कर रहे हैं या एक तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी का जो राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पे नरेटिव? मैंने जो जवाब देना था मैंने दे दिया इस विषय पे। क्या फॉर्मल इनविटेशन आ गया है राम मंदिर? मेरे अभी मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और जैसे ही कोई जानकारी आएगी आपको बताएंगे। अगर आता है तो जाएंगे क्या? जब आएगा तो आपको बताएंगे। 18 का संबंध भी है सर, उस पर भी वकीलों से चर्चा हो रही है, आपको 18 तारीख के और करीब आके अवश्य उस पर भी जो फैसला पार्टी लेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, अपने वकीलों से सलाह कर उस बारे में भी बताया जाएगा। Well, in very because we believe that many things are finalized at that meeting. Is it true? Like for instance, the Chandigarh deal, was it finalized at that meeting? See, first of all, since I was present in the meeting, it is only fair that I limit my discourse and limit my commentary on that meeting. However, since you've asked this question, I can say this.
in a very measured manner that the meeting that took place between my leader and the Honorable Chief Minister of Delhi, Mr. Kejriwal, and the Congress President, Shri Mallikarjun Kharge ji, and senior Congress leader, Shri Rahul Gandhi ji, was a meeting that was very, very significant. It has further strengthened our collective resolve to save India and to come together to ensure the departure of a incompetent, corrupt and dictatorial regime led by the BJP. That's the only thing that I'd like to say vis-a-vis that meeting.